अच्छा लगा तुम्हें? अगर नाम अलग होते तो ये और भी अच्छा लगता। देखो अब तुम और भी करीब आ गए थे। नहीं 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 नहीं, तुम लोग करीब नहीं हो, बहुत दूर हो। और तुम्हारे नाम का ऊपर किसका नाम होगा मैं डिसाइड करूंगी। पर इस घर में रहना या नहीं रहना ये तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ ना। छब्बीस साल से तक दोस्त की तरह पेश आ रही हूँ, बड़ी बहन बनने में मुझे मजबूर ना करो। मजबूर तो मैं हो गई हूँ दीदी से शादी करने के। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और जितना अच्छा वो मेरा दोस्त है उतना ही मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। ऐसा क्या है उसमें? ना उसके पास नौकरी है, ना घर है, ना मकान है, ना जमीन, ना जायदाद, ना पैसे। तो ये दोस्ती प्यार में कैसे बदल गई? दीदी जब दोस्ती करते समय मैंने ये सब नहीं देखा तो प्यार कैसे मैं ये सब देख के कर लूं? देखना तो भूल जा, बोलूंगी मैं ये स्टार को जिसमें तेरे साथ उस लड़के का नाम जुड़ा होगा। नाम तो जुड़ गया है दीदी, बस आपको आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। मुझे भी देखना पड़ता है, इस तरह मैं भूखे पेट मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ तुम्हें। आप छोड़ के तो देखो दीदी, आपसे भी ज्यादा प्यार करने वाला मुझे मिल गया है। हर कमरे की चाबी है मेरे पास। लगता मैं बचूंगी नहीं। तबीयत अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, दोनों को मिलाओ मत। तुम मिल चुके हो। तबीयत ठीक हो जाए कमरे से बाहर आना। से करता करनी पड़ेगी। नहीं तो जो भी बात है आप अब यहीं से करनी पड़ेगी। तो क्या तू बीमार होने का नाटक कर रही थी? बीमार मैं नहीं हूँ, बीमार आप हो। तू इतनी चीज दूर है मुझसे
पिटने के लिए। इतनी दूर नहीं हूँ दीदी, मैं पूरा एक दरवाजा दूर हूँ आपसे। ऐसे बात नहीं कर सकते हम लोग। क्यों दीदी, डर लग रहा है आपको कि पहली बार आप मुझे नहीं मैं आपको धमका रही हूँ? इस तरह बात नहीं कर सकते हम लोग। बड़ी हो चुकी हो, क्यों बच्चों की तरह मरने की धमकी दे रही हो? अपनी मर्जी से शादी करने के लिए छोटी हूँ मैं। दीदी वापस आ जाओ, मैं इस बार मैं आपको यहाँ नहीं मैं पंखे में झूली हुई मिलूंगी। बोल तुझे क्या बोलना है? आप मुझे इस तरीके से शादी क्यों करने दे रही हो? बार बार सवाल करने से जवाब नहीं बदल जाएगा हमारा? आपका जब जवाब आज तक मैंने ठीक से सुना ही नहीं है, फिर से बोलना जरा। उसके पास नौकरी पैसा जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखे? अभी भी मुझे सुनाई नहीं देगा, फिर से बोलना। उसके पास नौकरी जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? फिर से बोलो आप एक बार। मैं पागल हो गई तू? तब तक पूछती रहूंगी जब तक सच सामने नहीं आ जाता। यही सच है क्या? अपनी बहन की परवाह करना क्या गुनाह है? नहीं 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 नहीं, आपको मेरी परवाह कुछ नहीं है, और ना ही आपको उसके धन दौलत पैसे जमीन जायदाद की परवाह है। आपको तो उस चीज से परवाह है जो कोई भी आदमी कितने भी पैसे दे के खरीद नहीं सकता है। वो तो इंसान के जन्म के साथ ही उसके साथ आती है, और वो है उसकी जात, जो उसके लिए अभिशाप बन गई है और हमारी जात हमारे लिए आशीर्वाद बन गई है। मुझे उसकी कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारी परवाह कैसे करेगा। अरे दीदी, मैं मौत से 2 मीटर की दूरी में खड़ी हुई हूँ और आपके झूठ की खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे उसकी कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम क्या खाओगी क्या पियोगी कैसे रहोगी। मेरे लिए उसका प्यार ही काफी है। लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए पैसे होने चाहिए। वो कर लेगा दीदी, आप उसे मेरी शादी करवा के एक मौका तो दो। लेकिन वो 30 साल का हो गया है, उसको जिंदगी ने कई मौके दिए, उसने सारे मौके गवा दिए, लेकिन मैं एक और मौका नहीं देना चाहती हूँ जिससे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। दीदी आपको मेरी पसंद में भरोसा नहीं है क्या? वो कमाएगा भी मुझे कुछ भी रखेगा। और नहीं कमा पाया तो आपकी सोच उसके लिए इतनी निकलने क्यों है? उसे पोस्ट में भरेंगे आप उसकी नफरत करने में बिल्कुल अंधी हो गई हो। तुम कैसे हो गई हो? दीदी छोड़ो मुझे। हाँ हो गई हूँ मैं अंधी, हो गई हूँ बेसहारा, क्योंकि मेरी खुशियों की चाबी सिर्फ उसी के पास है। हाँ उसी चाबी के पास है। दीदी अब आखिरी बार आपने मुझे ये नाम सुन लिया। गोगी जी, गोगी, गोगी, गोगी जी, गोगी, गोगी जी। दीदी प्रॉब्लम यहाँ है तो सलूशन भी यही है, क्या आप ये कार्ड एक्सेप्ट कर सकती हो? नहीं बेटा, मैं ये कार्ड कैसे एक्सेप्ट करूं बेटा? वो तुम्हारे लिए भाई मैं समझ गई इन सब बातों से मुझे ये तो पता चल गया दीदी कि जितनी आप मुझसे प्यार करती हो उससे कहीं ज्यादा आप उस लड़के से नफरत करती हो। मैं गलत चीज के लिए कैसे हाँ कर दूं? मैं तुम्हें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। ठीक है दीदी मैं समझ गई, आप मुझे भूखा मरते हुए नहीं देख सकती हो, लेकिन फांसी पर लटकते हुए जरूर देख सकती हो। नहीं बेटा ऐसा मत कर, मैं तेरे लिए इससे अच्छा लड़का देखूंगी। नहीं दीदी अब तो बहुत देर हो गई। नहीं वो नहीं होगी।
हूँ।